जय माता दी। भक्तों, आज हम सुनेंगे महाशिव पुराण अंतर्गत कोट रुद्र संहिता में वर्णित अनजान में शिवरात्रि व्रत करने से एक भील पर भगवान शंकर की अद्भुत कृपा की कहानी। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, पूर्व काल में किसने इस उत्तम शिवरात्रि व्रत का पालन किया था और अनजाने में भी इस व्रत का पालन करके किसने कौन सा फल प्राप्त किया था? सूत जी ने कहा, ऋषियों, तुम सब लोग सुनो, मैं इस विषय में एक निषाद का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला है। पहले की बात है कि किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम था गुरु ध्रुव। उसका कुटुंब बड़ा था तथा वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म में तत्पर रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभ कारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उससे याचना की कि हे बंचर, हमें खाने को दो। उनके इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष लेकर चल दिया और मृगों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। देवयोग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्यास्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। आज तो कुछ नहीं मिला, घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा, मेरी जो पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी। अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। ऐसा सोचकर वह ब्याद एक जलाशय के समीप पहुंचा और जहां पानी में उतरने का घाट था वहां जाकर खड़ा हो गया। वह मन ही मन यह विचार करता था कि यहाँ कोई न कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा, उसी को मारकर कृत कृत हो उसे साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याध एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित हो वह बैठा रहा। उस रात के पहले पहर में एक प्यासी हरिणी वहां आई जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। ब्राह्मणों, उस मृगी को देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसके वध के लिए अपने धनुष पर एक बाण का संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्व पत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। उक्त जल और बिल्व पत्र से शिव की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के महात्म्य से उस व्याध का बहुत सा पातक तत्काल नष्ट हो गया। वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर हरणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याध को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली, मृगी ने कहा, व्याध, तुम क्या करना चाहते हो, मेरे सामने सच सच बताओ। हरणी की यह बात सुनकर व्याध ने कहा, आज मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, अतः तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा, उन्हें तृप्त करूंगा। व्याध का वह दारुण वचन सुनकर तथा जिसे रोकना कठिन था उस दुष्ट भील को बाण ताने देखकर मृगी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, अच्छा कोई उपाय रचती हूं। ऐसा विचार कर उसने वहां इस प्रकार कहा। मृगी बोली, भील, मेरे मांस से तुमको सुख होगा, इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता है, परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं, मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंपकर लौट आऊंगी। बंचरे, तुम मेरी इस बात को मिथ्या न समझो, मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, इसमें संशय नहीं है। सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही निर्जरों से जल की धाराएं गिरती हैं, सत्य में ही सब कुछ स्थित है। सूत जी कहते हैं, मृगी के ऐसा कहने पर भी जब व्याध ने उसकी बात नहीं मानी तब उसने अत्यंत विस्मित एवं भयभीत हो पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया। मृगी बोली, व्याध, सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ कि जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि भेद भेचे और तीनों काल संध्या ना करे तो उसे जो पाप लगता है
पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छा अनुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले, दूसरों से द्रोह करने वाले, धर्म को लागने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है उसी पाप से मैं लिप्त हो जाऊं यदि लौट कर ना आऊं। इस तरह अनेक शपथ खाकर जब मृगी चुपचाप खड़ी हो गई, तब उस व्याध ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा तुम अपने घर को जाओ। तब वह मृगी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई। इतने में ही रात का वह पहला पहर व्याध के जागते ही जागते बीत गया। तब उसे हिरणी की बहन दूसरी मृगी, जिसका पहली ने स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं बाण को तरकस से खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की ही भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बिल पत्र गिरे। उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंग वसी ही हुई थी तो भी व्याध के लिए सुखदायिनी हो गई। मृगी ने उसे बाण खींचते हुए देखा और पूछा, वनचरे यह क्या तुम करते हो? व्याध ने पूर्वोत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह बात सुनकर वह मृगी बोली। मृगी ने कहा, व्याध मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा देह धारण करना सफल हो गया, क्योंकि इस अनिक्त शरीर के द्वारा उपकार होगा। परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूँ, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। व्याध बोला, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं तुझे मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर वह हिरणी भगवान विष्णु की शपथ खाते हुई बोली, व्याध जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो, यदि मैं लौट कर ना आऊँ तो अपना सारा पुण्य हार जाऊँ, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरे के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है और माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि न करके उसे सूना बिता देता है तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं। सूत जी ने कहा, उसके ऐसा कहने पर व्याध ने उस मृगी से कहा, जाओ। मृगी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा पहर भी व्याध के जागते जागते ही बीत गया। इसी समय तीसरा पहर आरंभ हो गया। तब मृगी के लौट आने में बहुत विलम्ब हुआ। जान चकित हो व्याध उसकी खोज करने लगा। इतने ही में उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हृष्ट पुष्ट था। उसे देखकर बनचरे को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने को उद्यत हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रारब्धवश कुछ जल और बिलव पर्त शिवलिंग पर गिरे। उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने से आदि का शब्द सुनकर उस मृग ने व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? व्याध ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध की यह बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही व्याध से इस प्रकार बोला। हिरण ने कहा, मैं धन्य हूँ, मेरा हृष्ट पुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता उसका सब कुछ व्यर्थ चला गया। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता है उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंप कर और उन सबको धीरज बनाकर यहाँ लौट आऊंगा। उसके ऐसा कहने पर व्याध मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप पुंज नष्ट हो चुके थे। उसने इस प्रकार कहा, व्याध बोला, जो जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे वंचक अभी तक यहाँ नहीं लौटे हैं। मृग तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे, फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? मृग बोला, व्याध में जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो, मुझ में असक्त नहीं है, सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी समय छीण हो जाता है। तथापि भील तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो, संध्या काल में मैं तुम तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने तथा संध्या न करने से दुज को जो पाप होता है वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं।
जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्री फल तोड़ता है, अवश्य बच्चन करता है तथा शिव जी की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है। इन सबका पातक मुझे लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं। सूती कहते हैं उसकी बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ शीघ्र लौटना। व्याध के ऐसा कहने पर अमृत पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाभंग हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृतांत को भली भांति सुनकर सत्य के पास से बधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि वहां अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहां बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय जेठी मृगी ने वहां अपने स्वामी से कहा, स्वामिन, आपके बिना मेरा यहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैंने ही वहां पहले जाकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए केवल मुझको जाना चाहिए। आप दोनों को यहीं रहें। उसकी यह बात सुनकर छोटी मृगी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेवका हूँ, इसलिए आज मैं ही व्याध के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। यह सुनकर मृग बोला, मैं ही वहां जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की यह बात सुनकर उन दोनों मृगियों ने धर्म की दृष्टि से इसे स्वीकार नहीं किया। वे दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली, प्रभो, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब वह सबने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथों में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान को प्रस्थान किया जहां वह व्याध शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देख उनके वे सब बच्चे भी पीछे पीछे चले आए। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि इन दोनों माता पिता की जो गति होगी वह हमारी भी होगी। उन सबको एक साथ आया देख व्याध को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय अपने जल और बिलपत्र शिव के ऊपर गिरे। उससे शिव की चौथे पहर की पूजा संपन्न हो गई। उस समय व्याध का सारा पाप तत्काल ही भस्म हो गया। इतने में ही दोनों मृगियां और मृग बोल उठे, व्यास रोमड़े, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर व्याध को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, ये मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, सर्वथा आदरणीय है, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थ का साधन किया है? दूसरे के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पोसा है। प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब का पालन किया है। हाय, ऐसी पाप करके मेरी क्या गति होगी, अथवा मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? मेरे जन्म से लेकर अब तक जो पातक की है उसका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्याध ने अपने बाण को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगो, तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए और उन्होंने व्याध को अपने सम्मानित एवं पूजित स्वरूप का दर्शन कराया तथा कृपा पूर्वक उसके शरीर का स्पर्श करके उससे प्रेम से कहा, भील, मैं तुम्हारे वृक्ष से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। व्याध भी भगवान शिव के उस रूप को देखकर तत्काल जीवन मुक्त हो गया और मैंने सब कुछ पा लिया, यों कहता हुआ उनके चरणों के आगे गिर पड़ा। उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव भी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उसे गुह नाम देकर कृपा दृष्टि से देखते हुए उन्होंने उसे दिव्य वर दिए। शिव बोले, व्याध, सुनो, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय ले दिव्य भोगों का भोग करो। तुम्हारी वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी। देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। व्याध, मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष पा जाओगे। इसी समय वे सब मृग भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए तथा दिव्य देहधारी हो विमान पर बैठकर शिव के दर्शन मात्र से पाप मुक्त हो दिव्य धाम को चले गए। तब से अर्बुद पर्वत पर भगवान शिव व्याघ्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। महर्षि हो हुआ व्याध भी उन दोनों से एक दिव्य भोगों का उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम की कृपा पाकर शिव का सायुज प्राप्त कर लिया। अनजान में ही इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको सायुज मोच मिल गया। फिर जो भक्ति भाव से प्रसन्न होकर इस व्रत को करते हैं वे शिव का शुभ सायुज प्राप्त कर लें, इसके लिए तो कहना ही क्या है। संपूर्ण शास्त्रों तथा अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में भली भांति विचार करके इस शिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम व्रत
माताया गया है। इस लोक में जो नाना प्रकार के विविध तीर्थ भांति भांति के विचित्र दान अनेक प्रकार के यज्ञ तरह तरह के तप तथा भोग से जपे हैं वे सभी शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते। इसलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को इस शुभ कर व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। यह शिवरात्रि व्रत दिव्य है, इससे सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षियों यह शुभ शिवरात्रि व्रत व्रतराज के नाम से विख्यात है। इसके विषय में सब बातें मैंने तुम्हें बता दी हैं और अब क्या सुनना चाहते हो? बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती मैया की जय। तो भक्तों यह आप सभी को कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। जय माता दी।